कलकत्तामा एक महिला ट्रेनी डाक्टरमाथि भएको जघन्य हत्यामा संलग्न दोषी व्यक्तिलाई कठोर सजाय पाउनुपर्छ भन्ने मागमा तृणमूल कङ्ग्रेसले भोलिदेखि लगातार रूपमा हडताल गर्ने भएको छ। भोलिदेखि हुने हडताल पहाडमा पनि हुनेछ। यसै सन्दर्भमा आज एक प्रेस भेला गरेर हिल टिएमसी चेयरम्यान एलबी राईले जानकारी गराएका छन्। तिनले आरोपीलाई कठोर सजाय दिनुपर्छ भन्दै भोलिदेखि हुने हडतालमा सबैलाई सहभागी भइदिने निवेदन पनि गरेका छन्। कलकत्ताको जो डाक्टरका उपरमा जो घटना भयो उसले मतलब सबै हाम्रो देशवासी हाम्रो सबै चिन्तित थियो कि मतलब वैसा घटना नै घट्न चाहिए। तो यह विरोध प्रदर्शन तो हम लोग का पार्टी का तरफ से हम लोग हाईकमान का तरफ से आगे से कर रहा है। इसके लिए देश में सख्त कानून होना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग का से मैडम का मतलब जो गाइडलाइन में हम लोग कल मतलब धरना देंगे कि मतलब कानून सख्त हो देश में वैसा मतलब घटना नहीं। वो जो निर्दोष व्यक्ति है उसको मतलब उसको कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए। तो जल्दी से जल्दी होना चाहिए। यही लेके हम लोग ये विरोध प्रदर्शन कर रहा है कि ताकि मतलब आईने से देश में कोई भी प्रदेश कोई भी स्टेट में वैसा घटना नहीं घटना चाहिए। ये दुखदमय घटना है। ये मतलब ये घटना नहीं होना चाहिए। इसलिए हम लोग ये विरोध प्रदर्शन कर रहा है कि ताकि ऐसा घटना कभी भी घटेगा तो मतलब देश में कानून सख्त होना चाहिए। ये कानून पास करने के लिए हम लोग का सीएम ने जो विधानसभा में भी लेने के लिए विधानसभा से पारित करके मतलब जो सेंट्रल में भेजने वाला है मतलब इसके लिए सपोर्ट में हम लोग कर रहा है कि मतलब ऐसा घटना नहीं होना चाहिए। जो निर्दोष जो दोषी व्यक्ति है उसके लिए कड़ी सजा होना चाहिए। ये हम लोग डिमांड कर रहा है। धरना प्रत्येक ब्लॉक में प्रत्येक एसडी ऑफिस प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में होगा। मतलब हम लोग का गाइडलाइन ऐसा है प्रत्येक ब्लॉक ऑफिस में करने के लिए कल हम लोग करेंगे। परसों स्टूडेंट फोन करेंगे एक तारीख का स्टूडेंट फोन करेंगे संडे के लिए वो हम लोग का महिला कांग्रेस कर लेंगे। ऐसे मतलब धरना हम लोग का कंटिन्यू जारी रहेगा। जब तक ये कानून नहीं बनेगा तब तक हम लोग ये धरना जारी रखेंगे। ये देखिए ये पॉलिटिकली नहीं होना चाहिए। ऐसे घटने के लिए पॉलिटिकली नहीं होना चाहिए। सब एकजुट होना चाहिए। जो कल्पेट है उसके लिए तो कानून है ना, जुडिशन कानून है ना, संविधान है ना, उसका अंदर में संविधान जो करेगा। लेकिन संविधान तगड़ा हेल्दी होना चाहिए। संविधान कड़ा बनाना चाहिए ना। ऐसे मतलब जो व्यक्ति के लिए संविधान कड़ा होना चाहिए। हम लोग का सीएम तो डिमांड कर रहे हैं, हम लोग भी डिमांड कर रहे हैं उन लोग का फांसी होना चाहिए। ऐसा संविधान होना चाहिए संविधान के ऊपर। लेकिन वो जो पकड़ गया इसमें तो राजनीतिक नहीं है। सबका आदमी सब इसमें राजनीतिक नहीं करके संविधान के ऊपर में हम लोग प्रेशर करना है, दबाव देना है। संविधान कड़ा हो, संविधान ठीक से बने ताकि मतलब आइंदे से ऐसा घटना नहीं घटे। ताकि आदमी लोग ऐसा घटना करने से बार बार सोचना चाहिए ना, अगर हम ये किया तो उसका हमारा ये पनिशमेंट होगा। तो ये इसलिए मतलब कानून देश में सख्त कानून होना चाहिए। हम लोग का डिमांड टीएमसी की तरफ से यही डिमांड है।